हाय, मेरा नाम रमस पटेल है एंड मोस्ट ऑफ यू प्रोबेबली ऑलरेडी नो मी, ठीक है, कि मैं कौन हूँ। बिकॉज फ्रेंकली तुमने शायद इंस्टाग्राम से लिंक देख के आया होगा, एंड इफ़ यूट्यूब इज़ सजेस्टिंग दिस वीडियो, जो आई डोंट थिंक कर रहा है यूट्यूब अपनी वीडियो सजेस्ट बिकॉज व्यूज़ ही नहीं आ रहे। एनी वेज, अगर इफ़ बाई अ मिरेकल, इफ़ बाई सम मिरेकल यू फाउंड माई वीडियो, देन दिस इज़ अ साइन फॉर यू कि यू नीड टू लर्न टीचिंग, एंड टीचिंग इज़ अ वैल्यूएबल स्किल। फ्रेंकली मैंने थोड़ा नोट्स लिया था, ट्रैवल कर रहा था तभी लिखा था, वीडियो आइडियाज़ थी, तो उसमें से थोड़ा आई रीड इट आउट इंग्लिश में एंड थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश मिला के। तो स्टार्ट करते, वाई यू नीड टू लर्न टीचिंग, बिकॉज फ्रेंकली टीचिंग एक स्किल है, रियल टाइम स्किल है, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड नहीं है कि जस्ट बिकॉज एक कोर्स कर लिया आप टीचर बन गए, स्कूल में पढ़ाते हो सिर्फ वही टीचर है, ऐसा थोड़ी है। बहुत सारे फील्ड्स में टीचर होते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट सारी फील्ड में होते हैं, और आप भी कोई भी फील्ड से रह के आप टीचिंग कर सकते हो, टीचिंग रियल टाइम स्किल्स है, ठीक है, तो वो भी बहुत एक डिबेटेबल टॉपिक है। एंड अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो ऐसा नहीं आप सिर्फ डॉक्टर बन सकते हो, सिर्फ फार्मेसी करके आप सिर्फ मेडिकल खोल सकते हो, नहीं, आप सिखा सकते हो ना। एंड अब हमारे इधर, मतलब अपने इधर इंडियन हाउस होल्ड में व्हाट हैपेंस इज, आपके मम्मी या आपके बिग एल्डर सिस्टर, उन्होंने ट्यूशन लिए होंगे, होम ट्यूशन रहते हैं ना, बहुत सारे लोग लेते हैं, तो वो लोग भी तो टीचर है ना, वो लोग भी टीचिंग करते हैं ना, उनकी फील्ड क्या है, मम्मी तो हाउस वाइफ होती है, बट मम्मी टीचिंग कैसे करती है भाई, ऐसा नहीं है हाउस वाइफ नहीं कर सकते, नहीं, दैट्स नॉट ट्रू। और लेट्स से स्पीकिंग, आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हो, तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ लाइक सीए करोगे, टैक्स करोगे एंड जो भी आपके फील्ड से रिलेटेड है, नो, दैट्स नॉट ट्रू, दैट इज़ अ मिथ, ठीक है, बहुत बड़ा मिथ है। एंड लेट्स से आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो हमारी तरह, ठीक है, नो इंजीनियरिंग जोक्स बाय द वे, सॉरी, क्रिंज हो गया भाई, बहुत भयंकर क्रिंज हो गया। स्टार्ट करते, तो टीचिंग इज अ जॉब एवरी वन नीड्स टू हैव, ठीक है, कहीं ना कहीं पे, लेट्स से एकदम रियल टाइम एग्जाम्पल देता हूँ, इंजीनियरिंग में आपका फाइनल सेम है, यू हैव टू प्रिपेयर अ ब्लैक बुक, यू हैव टू वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट, ऑलमोस्ट हर सेम में होता है, तो उस प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना पड़ता है ना आपको। एंड मैंने देखा हूँ मेरे आंखों से भाई, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्सप्लेन नहीं, मैं खुद भी नहीं एक्सप्लेन कर पाता स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, बिकॉज मेरे को पब्लिक स्पीकिंग में फियर था। एंड डिप्लोमा में तो ऐसा होता था, डिग्री में भी होता था, ऐसा होता था कि हमको लाइक पूरी क्लास के सामने प्रेजेंटेशन भी देने बोलते थे, एंड देन आप जब स्टेज पे चढ़ते हो ना, ऊपर जाते हो ना, तो आपको कुछ समझ में नहीं आता है क्या बोलना है, कैसा बोलना है, एंड वो सारा आहिस्ता आहिस्ता निकला। मैं अभी रिसेंटली, रिसेंटली नहीं, मैं थोड़ा टाइम पहले एक गवर्नमेंट स्कूल में गया था, मतलब बहुत सारे मल्टीपल गवर्नमेंट स्कूल्स में गया था, तो वहाँ पे स्टेज पे खड़े होके थोड़ा बहुत कभी बोलना पड़ता है, तो उसमें से हल्का हल्का ऐसे ऐसे कर करके फियर निकलता गया। बट आई स्टार्टेड दिस ना, मैं फियर को रिड करने के लिए, टू गेट ऑफ गेट रिड ऑफ फियर, तो मैंने क्या किया, उसके अगेंस्ट वर्क करना चालू किया। तो मैंने ये चैनल बनाया था यूट्यूब, फ्रेंकली बात करने के लिए, ठीक है, एंड बहुत कम लोग देखते, विच इज़ नाइस, वो मेरा प्लस पॉइंट है, बिकॉज इधर पे कुछ भी कर रहा हो किसी को मैटर नहीं, किसी को पता ही नहीं है क्या चल रहा है इधर पे, दैट इज़ द बेस्ट थिंग, ठीक है। तो कहाँ पे थे अब, हाँ, टीचिंग, टीचिंग इज़ अ स्किल एवरी वन नीड्स, ठीक है, नॉट जस्ट अ पर्टिकुलर फील्ड, नॉट जस्ट रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर फील्ड, यू कैन बी अ मेडिकल स्टूडेंट एज वेल, यू कैन बी अ कॉमर्स स्टूडेंट एज वेल, एंड यू कैन बी एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट एज वेल, इट्स नॉट लिमिटेड टू एनी फील्ड। हाँ, यू नीड टू लर्न वन न्यू स्किल एवरी डे, ठीक है, इट हेल्प्स। अभी एकदम रियल एग्जाम्पल देता हूँ, रियल स्टोरी सुनाता हूँ। मेरे को ना अभी थोड़े टाइम पहले ना नेल्स में नेल स्कोरियोसिस हो गया था, ठीक है, एंड फ्रेंकली आई हैड नो आइडिया वॉट इट इज, बिकॉज मैं मेडिकल फील्ड का नहीं हूँ ना, ठीक है, मेरे को नहीं पता होगा, सो मैं मेरे फैमिली डॉक्टर के पास गया, ठीक है, वो मेडिकल फील्ड में सर्व कर रहे अराउंड 35+ ईयर्स से, ठीक है, 35 साल वो बंदा मेडिकल फील्ड में है, ठीक है, हमारे डॉक्टर, तो ही सर्विंग फ्रॉम 35 ईयर्स। मैं उनके पास जब गया ना, वो बोलते भाई क्या है, मेरे को भी नहीं पता, एंड हैरत की बात है, विच इज़ अ लिटिल डिस्टर्बिंग, बिकॉज के दैट पर्सन हैज़ बी सर्विंग इन द मेडिकल फील्ड फॉर 35+ ईयर्स, एंड उनको भी नेल स्कोलियोसिस के बारे में नहीं पता है, तो फ्रेंकली उनको भी नई चीज़ सीखने मिली ना। तो बोलने का मतलब ये था कि वो तो एकदम क्या बोलेंगे, वेट हो गए ना, लाइक टॉप कार्ड हो गए ना, मतलब 35 ईयर्स यू आर इन द सेम फील्ड, तो आप एकदम एक्सपर्ट हो जाते हो, एक्सपर्ट के ऊपर क्या लेवल होता है, आप वो हो जाते हो ना, ठीक है, तो वो एकदम टॉप पे थे, ठीक है, क्योंकि 35 ईयर्स से वो उधर पे, उन्होंने इतना सीखा, उनका अलग हो गया, ठीक है, उनकी कॉलेज अलग हो गई, फिर देन प्रैक्टिकल उनके दवाखाने में वो 35 ईयर्स से थे, और वो बोलते भाई कि हमने ये नेल्स करियो से पहली बार देखा था, जो अभी अच्छा हो गया बाय द वे, और अलहमदुल्ला जो ठीक हो गया अभी, एंड वो ऐसा बोल रहे थे कि उन्होंने ऐसा केस रियल टाइम में पहली बार देखा। तो उससे ये चीज़ समझ में आ रही है कि आप
सब कुछ सीख नहीं सकते हमेशा, ठीक है, सब कुछ लर्न करना इज इम्पॉसिबल, तो यू नीड टू कीप ऑन लर्निंग एवरी डे, सीखते रहना है। ये मतलब नहीं इसका कि कुछ सीख नहीं सकते तो सीखना ही छोड़ देना है, नहीं, यू नीड टू लर्न न्यू स्किल्स एवरी डे, यू नीड टू गैदर न्यू स्किल्स एवरी डे, और जो भी स्किल सीखे हो ना, ऑलमोस्ट सारी स्किल्स काम आती है लाइफ में, कहीं ना कहीं यूज़ होती है, ठीक है। वो फुल सर्कल वाली मैंने वीडियो बनाया था, समवेयर आई लिंक इट अप हियर, इधर या इधर, एंड देन उसके बाद मैंने प्रोग्रामिंग, वाई यू नीड टू लर्न प्रोग्रामिंग की एक वीडियो बनाया था, दैट ऑल्सो समवेयर आई लिंक इट अप इधर या इधर पे। तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि यू नीड टू लर्न, दिस इज़ वन स्किल यू नीड, ठीक है, प्रोग्रामिंग साइड हसल के लिए। तो उसमें भी आई टीच ना, तो वो भी टीचिंग फील्ड हो गई ना। तो टीचिंग में आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, आप कोर्स स्टार्ट कर सकते हो यूट्यूब पे, यूडेमी पे या कोर्सेरा पे, वहाँ पे भी आपकी मदद हो सकती है, राइट। तो दिस इज़ वन स्किल एवरी वन नीड्स। तो बस इतना ही बोलना था कि लाइक ऐसे ही वीडियो बनानी थी, और फ्रेंकली बहुत टाइम से कुछ अपलोड नहीं किया था, इसीलिए आई थॉट के वीडियोज़ बनाते हैं। तो फिर इतना ही मेरा सजेशन। एंड हाँ, आई टीच प्रोग्रामिंग उधर पे शार्प इंस्टीट्यूट में, अभी ये ऑलमोस्ट सारी वीडियोज़ में बोलूँगा, क्योंकि लाइक अपनी वीडियोज़ जो है स्पॉन्सर्ड नहीं होती है, ठीक है। तो दिस माई सेल्फ, मैं खुद ही स्पॉन्सर हूँ, एक एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ शार्प इंस्टीट्यूट की। आपको अगर प्रोग्रामिंग सीखना है तो आप उधर पे आके सीख सकते हो, देर आई टीच प्रोग्रामिंग इधर समवेयर इधर या इधर। मैं कुछ एक बैनर डिज़ाइन करके लगा दूंगा जो आप देख सकते हो, या नीचे लिंक होगी, तो रीच आउट, वो मस्किल है, आपको लर्न करना चाहिए सबको। एंड प्रोग्रामिंग आप सीखोगे तो उसके बाद आपको भी लगेगा कि आपको टीचिंग करना चाहिए, आपको भी, इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट टू कम फुल सर्कल, तो जहाँ से सीखा आप वहाँ सिखा भी सकते हो, ठीक है। तो फिर फ्रेंकली उतना ही चलता हूँ, वीडियो बड़ी हो जाएगी, वी डू नॉट वॉन्ट दैट। बाय बाय।